नमस्कार दोस्तों, असली दिल्ली में आपका स्वागत है। आज ये हमारा टॉपिक है कि मैंने ये देखा, अभी मैं निकल रहा था यहाँ से, ये रोड है, इस रोड पे मैंने देखा है साइड में काफ़ी सारा टूटा हुआ पड़ा है। ये देखोगे आप, ये अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से टूटा हुआ पड़ा है सारा कुछ। ये देखो आप, ये सिर्फ इसलिए तोड़ दिया जाता है क्योंकि हर साल गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ स्कीमें आती हैं, दिल्ली सरकार की कुछ ना कुछ बाहियात स्कीमें हर 6 महीने में चली आती हैं, जिससे रोड तोड़ दिए जाए। इन पर रोड इसलिए तोड़ दिए जाते हैं क्योंकि ये एक सेंटर के अंडर में आती है दिल्ली, तो ये इसलिए तोड़ दिए जाते हैं क्योंकि लोगों को लगना चाहिए कि रोडों की हालत खस्ता है और ये, लेकिन लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि ये रोडों को क्यों तोड़ा गया। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखो प्रॉपर, ये देखो आप, इस रोड को ये देखो आप, कितना जाम लगता है। ये देखो अब इतने खस्ता हालत में ये रोड है, आप अगर देखोगे ये दिल्ली का रोड है या किसी गांव खेड़े का रोड है पता नहीं चलेगा। यहाँ पर ये देखिए आप, ये सिर्फ इसलिए तोड़ दिया गया है क्योंकि ये कोई DTL करके है, वो कुछ उनका काम चल रहा है, और ये काम अभी से नहीं काफ़ी टाइम से चल रहा है। देखो आप, मैं अरविंद केजरीवाल से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो भी आप बताते हो अपने भाषणों में, बोलते कुछ और हो, होता कुछ और है, करते कुछ और हो आप, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्या ये रोड 2 महीने बन के रेडी नहीं हो सकता था? सब कुछ हो सकता था। ये देखिए आप, ये है PWD का इनका ऑफिस, ये PWD ऑफिस इस तरह का ऑफिस, ये देखो आप गड्ढे में लिप्त है PWD का ऑफिस। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, आप इस भ्रष्टाचार को अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये भ्रष्टाचार। ये देखो आप, और आप सर्च करोगे कि DTL क्या है, DTL किसके अंडर में आती है, क्या है, तो आपको पता पड़ेगा। ये प्रॉपर दिखा रहा हूँ मैं आपको, टूटे हुए खस्ता हालत में रोड, जहाँ पर लोगों ने अपनी अब कार खड़ी करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए आप, क्योंकि यहाँ पर ये साइड में पूरा रोड तोड़ा गया, आप देखो पूरा एक लंबा जाम, कई कई किलोमीटरों का जाम देखोगे आप, आपको परेशान किया जाता है। आप देखो ये कई महीनों तक पड़ा रहेगा इसी तरह का, ये जो भी मलबा है, ये मलबा यहाँ से आधा चोरी भी हो जाएगा, आधे लोग अपने यहाँ पे भी ले जाएंगे, जो भी होगा। देखो आप किस तरह से ये दिल्ली सरकार के द्वारा ये काम हो रहा है। ये कई महीनों महीनों तक काम चलने वाले काम है, लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि हम बहुत ही कट्टर ईमानदार सरकार हैं और बहुत ही तेज काम करते हैं, मुझे लगता है इनसे भ्रष्ट और इनसे स्लो काम करने वाला कोई अभी तक है नहीं। ये इतना स्लो काम करते हैं, ये रोड मैं आपको 6 महीने बाद भी इसी कंडीशन में दिखा दूँगा, मैं इससे गंदी कंडीशन, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है और इस मौसम में ये साइड के रोडों में पानी भर जाएगा, कितने लोग स्लिप होंगे, कितने लोगों के एक्सीडेंट होंगे, भाइयों भगवान ही मालिक है उनका। आप देखो ये प्रॉपर, मैं आप देख रहे होंगे ये काफ़ी टाइम में 5-7 मिनट से मैं चला ही जा रहा हूँ, कंटिन्यू चले जा रहा हूँ, तब भी ये रोड ख़त्म नहीं हो रहा है। आप देखोगे बारिश में इस रोड में इस तरह का माहौल हो जाएगा कि यहाँ पर प्रॉपर एक पानी का भराव हो जाएगा और लोगों के एक्सीडेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे, लोग एक दूसरे को ओवरटेक करने के लिए लेफ्ट में लेंगे और लेफ्ट में होगा एक एक्सीडेंट, उसका उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार कौन है? देखिए आप, दिखाता हूँ और आगे रोड,
दोस्तों, जैसा आप लोगों ने देखा कि इस रोड को यहाँ पर लाके ख़त्म किया गया है, तो आप देखिए एक इतना बड़ा रोड, इतना बड़ा पेच मात्र इसलिए तोड़ दिया है क्योंकि ये कोई कंपनी काम कर रही है और वो कई महीनों से काम कर रही है। अब आप लोग ही बताएं, ये देखिए, दोनों साइड के रोडों की हालत बहुत खस्ता। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें। धन्यवाद।